हाय फ्रेंड्स, आई एम हरविंदर सिंह गरेवाल। आज का जो वीडियो है वो पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या डॉग वाकई में एक दैविक शक्ति है? बचपन से हम कितनी ही कहानियाँ पढ़ते या सुनते आ रहे हैं डॉग के और हमारे निजी अटूट प्यार को लेकर, और उसके अलावा जो डॉग एक हमारे प्रति उसकी ईमानदारी होती है, वो कहते हैं कि ता उम्र हमेशा हमेशा। मैं वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम एक्चुअली सर्च कर रहे थे अबाउट केरला फ्लड के बारे में, क्या कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सडनली हमारे एक टीम मेंबर ने सबसे दिलचस्प या वहाँ के लोगों का विश्वास भरी कहानी जो हमने पढ़ी, तो हमने ज़रूर सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। ये एक्चुअली केरला से नहीं है, ये कर्नाटका से एक छोटे से गाँव से एक वहाँ डॉग का एक मंदिर है, बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर चन्नापटनम एक छोटी सी जगह है माय फ्रेंड। ये मंदिर की कहानी हमने जितनी बार पढ़ी तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि डॉग हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग ही नहीं, ये हमारी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं, हम फॉरएवर खड़े रहते हैं। फॉरएवर वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरे एक छोटी सी कहानी जो हमारे टीम ने आर्टिकल में मिली, वो कहानी ये है कि ये गांव में एक बहुत डॉग लवर फैमिली थी, उनके पास दो डॉग थे। वो अचानक एक दिन संदेहजनक स्थिति में वो डिसअपेयर हो गए, गुम हो गए। फिर वो पूरा उन्होंने गांव, पूरा जंगल जितना हो जा सकते थे उतनी दूर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो घर बैठे, तो एक दिन वहाँ के गाँव के किसी सदस्य के सपने में वहाँ की जो एक देवी है कंपमा देवी के जो मंदिर है उस गांव में, वहाँ के लोग उसको बहुत मानते हैं, वो देवी किसी के सपने में आई और उस देवी ने कहा कि जो दो डॉग मिसिंग हो गए हैं उनका आप मेरे मंदिर के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा मंदिर बनाइए और वो गांव का उद्धार करेगा, और बुरी स्थिति में भगवान ना करे कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई किसी भी प्रकार के संकट से वो गांव को सेफ रखेंगे। और वहां के लोग ये मानते हैं कि मंदिर बनाने के अब तक, ये 2010 में मंदिर बना, अब तक उनके गांव में सब लोग खुशी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो मैंने फॉरएवर वर्ड यूज़ किया था, तो वो अगर ये कहानी को सच्ची माने तो ये वर्ड बहुत वैल्यूफुल है, क्योंकि ये जो हमारे डॉग हमारी लाइफ के एक अभिन्न अंग है, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, फैमिली मेंबर हैं, ये वाकई में अगर हमसे दूर भी चले जाते हैं, ये दुनिया छोड़कर भी चले जाते हैं, फिर भी वो हमारी सुरक्षा करते हैं। इस पूरी कहानी को अगर हम सच मान लें, तो मेरे दिमाग में बार बार एक बात आ रही है, जैसे इंग्लिश में GOD गॉड लिखते हैं, तो अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये वर्ड डॉग के स्पेलिंग भी यही रहते हैं। तो अगर ये पूरी कहानी को सच माना जाए तो आप खुद विश्वास करोगे कि ये वाकई में सच है, और ये हर दुख सुख में ही नहीं और फ्यूचर में भी होने ना होने के बावजूद भी ये हमारे साथ है।